बड़ी खबर आपको दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल किया है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। कल 10 बजे स्पेशल डिवीजन बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल किया है। मजीद बात करेंगे इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनए थे उनका 8 रोजा जिस्मानी रिमांड जो मंजूर किया गया था इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया। जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज ने इस केस की जो है वो समाअत की है, जिसमें जो हुक्मनामा जो है वो लिखा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो जिस्मानी रिमांड जो देने की जो उसके रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं की गई, और ये बताया गया है कि जो रिक्वायरमेंट दरकार थी पूरा एक प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया। वजूहात जो थी वो जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो उसको पूरा उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, इस वजह से जो है वो ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया गया है। अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो कल तक जो है मुलतवी कर दी गई है। स्पेशल डीबी जो है ये वाली कल 10 बजे जो है इस केस की जो है वो समाअत करेगी। याद रहे कि आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस से जो है वो गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो आए थे और उसकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। इसके साथ साथ इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उनके 8 रोजा जिस्मानी रिमांड जो था वो मंजूर किया था, जिस उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड का जो फैसला था, जो ऑर्डर था, उसको जो है सस्पेंड कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनए थे उनका 8 रोजा जिस्मानी रिमांड जो मंजूर किया गया था इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया। जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज ने इस केस की जो है वो समाअत की है, जिसमें जो हुक्मनामा जो है वो लिखा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो जिस्मानी रिमांड जो देने की जो उसके रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं की गई, और ये बताया गया है कि जो रिक्वायरमेंट दरकार थी पूरा एक प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया। वजूहात जो थी वो जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो उसको पूरा उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, इस वजह से जो है वो ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया गया है। अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो कल तक जो है मुलतवी कर दी गई है। स्पेशल डीबी जो है ये वाली कल 10 बजे जो है इस केस की जो है वो समाअत करेगी। याद रहे कि आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस से जो है वो गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो आए थे और उसकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। इसके साथ साथ इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उनके 8 रोजा जिस्मानी रिमांड जो था वो मंजूर किया था, जिस उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड का जो फैसला था, जो ऑर्डर था, उसको जो है सस्पेंड कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी, इस हवाले से आगाह कर रहे थे।